और एक बात और बोलना चाहता हूँ मैं, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो लोग बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि जिंदगी में अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है ना। तो आपको ध्यान रखना है ये कि कभी कोई चीज आपको नहीं मिलती है तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको कुछ ना कुछ और अच्छा मिलेगा, या हो सकता है आप इस साल और मेहनत करें तो नेक्स्ट ईयर सिलेक्ट होकर आप इसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाएं। बस आप उससे एक सीख लेना, आपके लिए सीख ये है कि आपने संघर्ष करना सीख लिया है, आपने मेहनत की है, बस वो दिन वाली बात थी कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया या कभी आपकी स्ट्रेटजी में कोई गड़बड़ी थी। आप अपनी स्ट्रेटजी सुधार लो, ठीक है, अच्छे तरीके से इस साल तैयारी करो, नेक्स्ट ईयर आप यहीं पर खड़े होगे। उन बच्चों के लिए जो इस बार आईडीजेई में नहीं सिलेक्ट हुए, मैं दो बातें कहता हूँ आपसे। पहले मैं कहता था कि फिर से मेहनत करो, फिर से ट्राई करो, अब मैं दो बातें कहता हूँ, मूव ऑन करो। पहली बात, अगर लग रहा है कि लाइफ में कुछ और चीज़ के लिए बने हो, किसी और चीज़ में स्पेशल है, किसी जॉब में इंटरेस्ट है, तो उसकी तरफ जाओ। आईटी इज़ नॉट एवरीथिंग। 90% ऑफ इंडियन इंजीनियर्स एंड एमबीए ग्रेजुएट्स आर अनस्किल्ड एंड अनएम्प्लॉयड। तो ये नहीं है कि इंजीनियरिंग करना ही सबसे बड़ी सक्सेसफुल चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि अगर एकदम दिल से है कि नहीं करना है, एकदम लगन है करना है और करके दिखाना है।